कोरोना टाइम में हम सभी ने खरीदे थे ने कितने सारे ग्लव्स, अब देखिए ये सारे के सारे ऐसे ही पड़े हुए हैं। बहुत सारे ग्लव्स बच गए थे बट आज इनका मैं आपको बेस्ट यूज बताती हूँ। देखिए समर वेकेशन तो चल ही रहा है बच्चों का, इवन कोई ना कोई छोटी मोटी ट्रिप ना हम प्लान कर ही लेते हैं। अब जब छोटी मोटी ट्रिप प्लान करते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपनी मेकअप की या फिर जो भी हमें चीजें यूज करनी है ना, पर्सनल चीजें जो यूज करनी है, उनकी बहुत बड़ी बड़ी किट ना हम लेकर के नहीं जाना चाहते। तो उस टाइम पर ना ये ग्लव्स बहुत ही ज्यादा काम आने वाले हैं। ट्रिप बड़ी हो या फिर छोटी, हमारे जो फेवरेट प्रोडक्ट्स होते हैं, इवन जो हमें सूट करते हैं, उन्हीं प्रोडक्ट्स को हम अपनी ट्रिप में भी ले जाना चाहते हैं। बट कई बार होता है ना, बहुत बड़ी बड़ी बॉटल के कारण हम उन्हें कैरी नहीं कर पाते या फिर हम बहुत बड़ी हैवी किट नहीं ले जाना चाहते। तो देखिए इन ग्लव्स का कमाल, इनकी ना आप फिंगर्स को कट कर लीजिए और फिंगर्स को कट करने के बाद आपका जो भी फेवरेट प्रोडक्ट आप ले जाना चाहते हैं ना, इसमें फिल कर लीजिए। शैम्पू कई बार होता है ना कि हमारे और बच्चों के शैम्पू अलग अलग होते हैं, तो उन सभी को ना एक साथ कैरी करना बहुत मुश्किल होता है। तो बच्चों के और अपने फेवरेट शैम्पूज आप इसमें बहुत ईजीली कैरी कर सकते हैं एक दिन के लिए। और इसे सील पैक करने के लिए ना गैस या फिर आप कैंडल का यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही इजीली ये सील पैक हो जाता है। बिल्कुल भी ये प्रोडक्ट उल्टा करने पर नहीं गिरेगा, बहुत अच्छे से सील पैक हो जाता है। अब जो भी प्रोडक्ट आपने इन फिंगर्स में फिल किए हैं ना, उसे किसी दूसरे वाले ग्लव्स की फिंगर्स में रख लीजिए और साथ में नोट डाउन कर दीजिए कि ये कौन सा प्रोडक्ट है। अगर आप इसमें शैम्पू फिल कर रहे हैं तो स्पेसिफाई कर दीजिए कि बेबी शैम्पू है या फिर आपका शैम्पू है, या फिर कोई ऑयल अगर आप फिल कर रहे हैं तो उसे भी आप मेंशन ज़रूर कर दीजिए। मेकअप के हमारे बहुत सारे आइटम्स ऐसे होते हैं कि हम बहुत हैवी किट लेकर के जाना भी नहीं चाहते और चाहते हैं कि सारे ही प्रोडक्ट्स हमारे सेपरेट हों एक दूसरे से, जैसे ही हम देखें एकदम से मिल जाए, मिक्स ना हो किसी में, क्योंकि बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं। तो उसके लिए भी ना ये ग्लव्स बहुत ही कमाल के हैं। दो चार रबड़ बैंड अगर हम ले जाना चाहते हैं ना, तो इन फिंगर्स जो हमने काटी थी, इन फिंगर्स में इन रबड़ बैंड को डाल दीजिए और बस इसे ना दो चार बार घुमा दीजिए, ये अपने आप ही सील पैक हो जाएगा, रबड़ एक भी नहीं गिरेगी और फिर आप इसे दूसरे ग्लव की फिंगर में रख दीजिए। सारी ही चीज़ें विजिबल भी हैं और सेपरेट भी हैं, कोई भी मिक्स नहीं होगी। अब आप इसे बस इस तरह से पकड़िए और अपनी किट में रख दीजिए। इसी तरह से आप अपनी एक बाथिंग किट अलग बना सकते हैं, ब्रश, टूथपेस्ट, शॉवर जेल, शैम्पूज एक ग्लव्स में और मेकअप के सामान किसी दूसरे ग्लव्स में। कंप्यूटर टेबल में ना इस तरह की पतली सी ड्रॉर दी होती है और इसमें हम अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स जनरली रखते हैं या जो भी हमारी फ्रिक्वेंटली चीज़ें यूज़ होती है ना, वो सारी रखते हैं, इसलिए कि जल्दी से मिल जाए। बट होता कुछ उल्टा ही है, कभी ये चीज़ें ना टाइम पर नहीं मिलती। इसे ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये ज़ीरो कॉस्ट में मिलने वाला ऑर्गेनाइज़र। इसे देखकर आप पहचान गए होंगे, ये आपको कहाँ मिलेगा, अक्सर शादी के जो डिब्बे होते हैं ना उसमें इस तरह के ऑर्गेनाइजर्स आते ही हैं। आप इन्हें अपनी ड्रॉर्स के शेप और साइज़ के अकॉर्डिंग ना इजीली कट कर सकते हैं। ट्रूली स्पीकिंग कि ये जो ऑर्गेनाइजर्स हम खुद बनाते हैं ना, ये मार्केट में मिलने वाले ऑर्गेनाइजर से ना लाख गुना अच्छे होते हैं, क्योंकि ये हमारी सभी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं। इसे हम अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन करते हैं कि जिस भी सामान को हमें रखना है। मैं ये नहीं कहती कि मार्केट में जो आपको ऑर्गेनाइजर्स मिलते हैं वो अच्छे नहीं होते, बट बहुत बार ऐसा होता है वो हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करते। जिस भी कबर्ड के लिए हम उन्हें परचेज करते हैं वो कई बार उसमें फिट होते ही नहीं, तो
खुद की जो बनाए हुए ऑर्गेनाइजर्स होती हैं उनमें ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है कंपैरिजन टू मार्केट के ऑर्गेनाइजर। मेरी सारी छोटी छोटी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें बहुत ही छोटे से स्पेस में इस ऑर्गेनाइजर के थ्रू ना कितनी अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गई। सारी ही चीज़ें विजिबल हैं, बहुत इजीली मैं इन्हें एक्सेस कर सकती हूँ बिना किसी परेशानी के। बाथरूम में ना बहुत बार टॉवल्स को हम इस तरह से हैंग करके छोड़ देते हैं, इवन कई बार बच्चे या कोई बड़ा नहाता है ना इसी तरह से हैंग करके छोड़ देता है, बट ये टॉवल्स ना इस तरह से बहुत ही ज़्यादा गंदे लगते हैं, अनमैनेज लगता है पूरा ही बाथरूम। इसके लिए ना आप टॉवल्स को सिंपली इस तरह से फोल्ड करके एक हैंगर में हैंग कर दीजिए। हैंगर में हैंग करके ना आपको एक नीट लुक मिल जाएगा, बट अगर आपको एक से ज़्यादा टॉवल को हैंग करना है तो आप ना छोटे से स्पेस में ही मल्टीपल हैंगर्स बना सकते हैं कुछ इस तरह से। ये सिस्टम बहुत अच्छे से काम करता है, लास्ट 15 डेज से मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ अपने बाथरूम में। इस मल्टीपल हैंगर सिस्टम से ना टॉवल को निकालना बहुत ही ज़्यादा इजी है, और जितना इजी से निकालना है उससे कहीं ज़्यादा इजी इसको दोबारा से हैंग करना है। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे इसी तरह की किसी और वीडियो में। टिल देन बाय बाय।